तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का मुकदमा, साबिक वजीर आला परवेज इलाही की अबूरी जमानत खारिज। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानत को खारिज कर दिया। अदालत ने एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। परवेज इलाही के वकला ने एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की थी। तो आपको बताएं कि तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन का ये मुकदमा है, साबिक वजीर आला परवेज इलाही की बुरी जमानत खारिज कर दी गई है। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानत खारिज की है और अदालत ने एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही के वकला ने एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की थी तो साबिक वजीर आला परवेज इलाही की उबूरी जमानत अब खारिज कर दी गई है और अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर यह जमानत खारिज की है। मुबैना करप्शन का ये मुकदमा है, साबिक वजीर आला परवेज इलाही की बुरी जमानत खारिज कर दी गई है। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानत खारिज की है और अदालत ने एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही के वकला ने एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की थी तो साबिक वजीर आला परवेज इलाही की उबूरी जमानत अब खारिज कर दी गई है और अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर यह जमानत खारिज की है। मुबैना करप्शन का ये मुकदमा है, साबिक वजीर आला परवेज इलाही की बुरी जमानत खारिज कर दी गई है। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानत खारिज की है और अदालत ने एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही के वकला ने एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की थी तो साबिक वजीर आला परवेज इलाही की उबूरी जमानत अब खारिज कर दी गई है और अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर यह जमानत खारिज की है।